हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी खास है क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के लिए एक इवेंट के बारे में, दैट इज मैपाथॉन। गाइस ये मैपाथॉन जो इवेंट है हमारे पास वो गाइस कंडक्ट होती है IIT बॉम्बे, AICTE और सबसे इंपॉर्टेंट इसरो। अब गाइस इनकी भी अगर फुल फॉर्म मुझे आपको बतानी पड़े तो गाइस ये सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं, ये देश की बेइज्जती हो जाएगी। तो अगर आपको नहीं पता इंटरनेट पे जरूर जाएं और जाके इनके बारे में सर्च करें। अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, आप जाके इसके बारे में अच्छे से ज्ञान ले सकोगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में। तो यहाँ पर गाइस ये मैपाथॉन इवेंट में क्यों आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, सबसे पहली बात। उसके भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटी क्या होती है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी एकदम सिंपल है कि आपको एक इंडियन होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि गाइस ये हर इंडियन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इवेंट का तो वैल्यू रहा नहीं। तो गाइस ये वैल्यू आप यहां पर एडिशन करके करोगे। देखो गाइस जब यहां पर इवेंट में इसरो नाम आ जाता है तो गाइस ये देश की शान की बात हो जाती है। और अगर देश की शान की बात है तो देश को शान बढ़ाना है तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर बस आपको पार्टिसिपेट करना है। चाहे आपकी नौकरी लग चुकी हो, चाहे आपका जो उम्र है वो जाने को हो, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूं। यहां पर मैं आप लोगों को ये भी कहूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है, चाहे स्कूल वाले या फिर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो टेक्निकल डिग्री पढ़ रहे हो, तो भी गाइस आप यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। चाहे इंजीनियरिंग हो या BSc या जनरल डिग्री, कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। करना क्या पड़ेगा भाई इवेंट में, करना क्या पड़ेगा, देश की बात है तो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। करना क्या पड़ेगा ये भी बात जरूरी है भाई। यहाँ पर आपको सिर्फ करना बड़ा आसान सा काम है, यहाँ पर मैप बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप पूछोगे मैप बनाना पड़ेगा, भाई मैप तो बनाना नहीं आता। ये गाइस सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी नहीं आता मैप बनाने, तो मैं यहाँ करूंगा क्या, कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी दे रखा है कि आपको कैसे बनाना है। वो कैसे जानेंगे, इस वीडियो से जानेंगे। यार वीडियो किस लिए बनाया मैंने, ये भी आप लोगों को ये बता दूंगा कि कैसे करके आपको यहाँ पर एक मैप को बनाना है। कुछ नया सीखने को आपको भी मिलेगा और मुझे भी। तो इस वीडियो के साथ हमें करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा भाई। और दूसरी बात हमें करनी क्या पड़ेगी, अगर ये वीडियो आपको एंड तक पसंद आ जाए तो वीडियो को फटाक से किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ आपको नहीं मुझे भी खुशी मिलेगी और साथ में देश को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही खुशी का दिन है आज, तो इस इवेंट में मुझे तो जरूर पार्टिसिपेट करना है कि आपको करना है। मैंने भी, मेरे को सवेर से पता चल चुका है, मैंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया, बस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। चलिए पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर चलिए गाइस हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर किसमें आ चुके हैं भाई, कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पर लिखा हुआ है IIT बॉम्बे, इसरो, AICTE और यहाँ पर लिखा हुआ है मैपाथॉन, जिसका मतलब ये होता है कि अभी तक जितनी भी बातें मैंने की वो काफी सही थी। मैंने मजाक कर रहा था। यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है ये 7 तारीख 2020 से 18 तारीख तक ये चलने वाली है। तो इसका मौका क्या है, अब फिर जाके रजिस्ट्रेशन हमें करना पड़ेगा, पर वीडियो को शुरू पूरे देखने के बाद रजिस्ट्रेशन करना। सबमिशन कैसे होगा, सबमिशन होगा गाइस यहाँ पर जो भी आपको टास्क है वो 14 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आप सबमिट कर सकते हो। क्या मुझे जल्दी करना पड़ेगा जीतने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सभी के एक ही टाइम पे चेक होगा। रिजल्ट जो है 4 तारीख को 21 देख रहे हो ना, 2021 को, और यहाँ पर 10 जनवरी 2021 तक ये आप लोगों को बता दिया जाएगा क्या रिजल्ट आएगा। पहले जानते हैं मैपाथॉन है क्या। यहाँ पर देखा हुआ है द डेटा कलेक्टेड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो, यहाँ पर दे रखा है ना, यहाँ लिखा है प्लेटफॉर्म फॉर ट्रिमेंडस पोटेंशियल इन मैपिंग इंडियन सोर्सेज, देख रहे हो ना, इंडिया सोर्सेज, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, डिजास्टर मैनेजमेंट, रूरल एंड अर्बन प्लानिंग, आइडेंटिफाइंग पाथवे फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, सच मैप्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ फ्री ओपन सोर्स। ये देखे यहाँ पर नाम देख लीजिए, फ्री ओपन सोर्स, इसका नाम है QGIS। ये QGIS सॉफ्टवेयर आपको अपने इंस्टॉल करना पड़ेगा और यहाँ पर आप सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हैं इसके बारे में एक फुल ट्यूटोरियल मैंने, जो अगर इंटरनेट में अवेलेबल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिससे कि आप जाके चेकआउट कर सकते हो वीडियो के एंड में। यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट ज्वाइन टुगेदर टू क्रिएट सच मैप्स थ्रू द मैपाथॉन, जरूर जरूर। एंड यहाँ लिखा हुआ एंड टू एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस थ्रू हैकाथॉन, देख रहे हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहीं पर लिखा हुआ एलिजिबिलिटी पार्टिसिपेट ऑल इंडियन नेशनल्स, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ लिखा हुआ टीम साइज, यहाँ पर आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हो, अकेला भी पार्टिसिपेट कर सकते हो और 4 दोस्तों को लेकर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। क्या आपको पार्टिसिपेट करना है 4 दोस्तों के साथ, तो 4 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, काफी अच्छा लगेगा, उनके बाद उनके मिलके पार्टिसिपेट कर लीजिए। यह लिखा हुआ है बिल्ड कैपेसिटी, देखिए ना, बिल्ड कैपेसिटी इन द कंट्री इन स्पेस एप्लीकेशंस टुवर्ड मेकिंग इंडिया द
का आत्मनिर्भर भारत। जैसे कि हमें दिख रहा है कि ऊपर में जो यहाँ पर स्पॉन्सर्स हुए हैं वो भी है आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, काफी चीजें। यहाँ पर हम लोग और भी चीज देख सकते हैं, अनेबलर प्लेटफॉर्म फॉर द कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये देखिए बहुत ही जरूरी है, अगर आपको मिलेंगे एक्सपर्ट्स कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, क्या पता आप हो सके नेक्स्ट इसरो के। अब मैं आप लोगों को और वर्ड नहीं कहूंगा, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट इसरो क्या लिखना चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि द मैपिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज द मैन मेड फीचर्स, यहाँ पर एक टॉपिक है। ये क्या क्या टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स में से आपको लेना पड़ेगा। एंड में एक ऑप्शन आता है चूज योर ओन टॉपिक। अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर आप उसको भी अगर दिखा पाए तो बहुत अच्छा है, ये एक्सेप्टेबल किया जाएगा। बट गाइज हमें देखने को मिलता था डिटेक्शन ऑफ रेंज इन वाटर बॉडीज, मतलब यहाँ पर टॉपिक जो है वो काफी लो लेवल नहीं काफी हाई लेवल है, तो आपको भी एक हाई लेवल जैसा टॉपिक खोजना पड़ेगा। द मैप शुड बी क्रिएटेड एट नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल बाउंड्रीज यूजिंग इसरो डाटा। फॉर इसरो डाटा यू मे विजिट, यहां पर देख रहे हैं कि इसरो का जो डाटा है वो यहां पर दे रखा है उन्होंने। यहां लिखा हुआ है तो देखिए लिंक फॉर द वीडियो ट्यूटोरियल्स कैन बी ऑब्टेंड, कैसे हम यहां पर कर सकते हैं भुवन के और वेदास के और मोडास के, कैसे करके हम डेटास को ले सकते हैं, यहां पर ट्यूटोरियल्स के लिंक दे रखे हैं। लिखा है फॉर द बाउंड्रिंग डेटा मटेरियल्स यू मे विजिट दिस फोल्डर एट data.gov.in, जरूर जाइए गाइस। गाइस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू और रजिस्टर करने के पहले मैं आप लोग को रेफर करना चाहूंगा अनअकैडमी। गाइस अनअकैडमी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर हम आज की दुनिया में देखें तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे क्या लगती है ना, ये बहुत ज्यादा कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप यहाँ पर 20 से ज्यादा टॉप एडुकेटर्स, बहुत सारी जगह, बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। 250 से ज़्यादा कोर्सेज वीडियोस आप लोगों को ये प्रोवाइड करती है, हर चीज़ के पास, हर चीज़ का इनके पास सोल्यूशन है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज़ KCET। यहाँ पर KCET के एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गाइस मैं आप लोगों को रेफर करना चाहूँगा कि आप अनअकैडमी में ज़रूर जाएं। अनअकैडमी के गाइस यहाँ पर सिर्फ फ्री क्लासेस अभी आप लोगों को मिल रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को पेड प्लान्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्री क्लासेस को कैसे अवेल कर सकते हैं गाइस, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे फ्री क्लासेस के लिंक दे रखे हैं। ये अपकमिंग फ्री क्लासेस हैं, इनके लिए आप एनरोल कर लीजिए, फ्री क्लासेस को आप जाकर कर सकते हैं। इन फ्री क्लासेस को करने से आप लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा, टीचर्स काफ़ी इंटरैक्टिव हैं, वो आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। इसमें एनरोल कैसे करते हैं, जैसे कि मैं अभी एनरोल कर रहा हूँ, एनरोल करने के बाद मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और इस नोटिफिकेशन आते ही मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट टाइम जब क्लास होगा तो मैं उसमें एनरोल हो जाऊँगा, मैं क्लास को अटेंड करूँगा। यहाँ पर आप जो भी फ्री क्लासेस या फिर भी कुछ भी अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इस कोड का यूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 10% का डिस्काउंट भी बाद में देखने को मिल सकता है, दैट इज़ TRICKSTAR2021। ये काफ़ी मेरी कोड है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए गाइस इस वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ रजिस्टर। तो यहाँ पर मैंने क्लिक हियर किया, चाहे तो आप इसे मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते थे, यहाँ पर सिंपल था इसको स्कैन करके। टीम नेम क्या है, मेरा क्या टीम नेम हुआ, तो यहाँ पर गाइस मेरे को टीम नेम देना है, फॉर एग्जाम्पल हीरो। यहाँ पर गाइस मैं हीरो बनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने हीरो लिख दिया अपना टीम का नेम। यहाँ पर हम देख सकते हैं नेम ऑफ टीम मेंबर्स, काफ़ी अच्छा नाम रखिएगा गाइस, ऐसा बेकार सा नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि मैं अभी इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास दो मेंबर है, मैं अभी एक दोस्त को कह चुका हूँ, मेरे पास चार मेंबर है, हमेशा चार मेंबर अच्छी बात होती है। तो गाइस मैं आप लोगों को ज़रूर रेफर करूँगा, फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर उसके बाद है गाइस इंस्टीट्यूशन नेम, कौन से इंस्टीट्यूशन से, यहाँ देखिए फ़ोन नंबर, टीम लीड का फ़ोन नंबर, टीम मेंबर टू, इसके बाद इंस्टीट्यूशन नंबर टू, देख सकते हैं ये सारे ऑप्शनल्स हैं। अगर आप वन लिखते हो टू लिखते हो तो ये सब ऑप्शनल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनका भी इंस्टीट्यूशन आपको लिखना पड़ेगा, साथ में उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। टीम मेंबर टू, थ्री, फोर, ऐसे ही सिमिलर चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, या फिर चूज़ योर ओन टॉपिक में भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल वन नंबर वन टॉपिक को चूज़ किया, लिखा हुआ इफ़ द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन इज चूज योर ओन टॉपिक प्लीज लेट अस नो। इफ आपने ये चूज किया है तो आपको लिखना पड़ेगा कि किस टॉपिक पे आप वर्क करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लीज एंटर द स्टेट एंड द डिस्ट्रिक्ट नेम फॉर योर प्रपोज्ड वर्क। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका फॉर एग्जाम्पल आप किस डिस्ट्रिक्ट या फिर किस स्टेट में काम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ वेस्ट बंगाल में रहता हूँ तो सिर्फ मैं कोलकाता में वर्क करना चाहता हूँ तो कोलकाता लिख दूंगा। अगर आप यहाँ पर मुंबई में रहते हैं तो मुंबई लिख दीजिए, या फिर फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र लिख दीजिए, या फिर आप किसी डिस्ट्रिक्ट पे काम, अपने गाँव वाले डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप करना चाहते हैं काम, तो उसको लिख दीजिए। यही थी गाइज आज की पर्टिकुलर वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को
पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और काफी अच्छे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में मोर इन्फॉर्मेशन मोर अपडेट्स। चलिए तब तक बाय।